हाँ जी, तो एक बड़ी बैड न्यूज़ आपको सुनाना चाहूँगा। तो इसका फ्यूल पंप ये था जो कि ख़राब हो चुका है पहले वाला, वो है 6,500 रुपये का। मोटर है 3,500 रुपये की, 10-15,000 रुपये तो ऐसे लग जाएंगे। आप लाल आप देख सकते हैं कि मैंने अभी स्कूटी खोल दिया भाई, ये स्टार्ट नहीं हो रही है। इसका जो मोटर है बस इसका यही है, इसके बाद ये स्टार्ट नहीं हो रही है। तो देखो शोरूम पहुंचती नहीं पहुंचती है, देखते हैं। और इसके मोटर पे पहली बात तो एक ये निशान आ रहा है, ऑयल चेंज का भी आ रहा है, तेल बहुत है लेकिन ऐसे ही दिखा रहा है। पता नहीं, एक बज चुके हैं, पता नहीं कब जाऊंगा मैं, देखते हैं गाइस। जी तो कैसे हैं आप सभी, आशा करता हूँ अच्छे होंगे। जैसे कि आप मुझे कैमरे में देख रहे होंगे, शीशे में देख रहे होंगे सॉरी। तो काफ़ी दिनों बाद मोटो ब्लॉग आ रहा है। आज आप देख रहे होंगे कि भैया अपनी बुलेट पे नहीं, आज हमें स्कूटी पे है। तो बात ये है ना कि स्कूटी हो रखी थी है ख़राब, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो आई बटन, और इससे पहले भी आपने देखा होगा कि स्कूटी स्टार्ट नहीं हो। भाई 2 घंटे लगे हैं इसको स्टार्ट करने में, और यहाँ पर F1 लिखा रहा है। शोरूम जा रहा हूँ, देखता हूँ कि क्या सीन होता है, कैसा क्या सीन होता है। तो अपन ने क्या कहते हैं ना यार वो किया था, स्कूटी स्टार्ट तो होगी जैसे जैसे करके, भाई बारिश आ गई। तो उसके बाद मैंने स्कूटी बंद ही नहीं करी, तुम्हें बताया भैंस की था, मैंने स्कूटी बंद नहीं करी है। मैं इसको ऑन करते हुए लाया, फिर जैसे ही बारिश कम हुई, जैसे कि अभी एकदम मौसम साफ हो गया, लेकिन आप रोडों में देख सकते हो कि पूरा पानी भरा है। तो जैसे कि पूरा पानी हो रखा है, तो सीन ऐसा है कि अब चलते हैं शोरूम फटाक से। अब होने को तो 2:54 हो गया, पता नहीं है स्कूटी होगी नहीं होगी, पता नहीं है मुझे, लेकिन मैं स्कूटी को इधर रखाऊंगा क्योंकि यार बहुत परेशान कर रही है, क्योंकि हो नहीं, बारिश सुबह स्टार्ट हो नहीं रही है, दिमाग खराब, तो इसको फिर बार बार कौन लाएगा। तो मेरे को जाना कहाँ से चाहिए, मुझे समझ नहीं आ रहा, यहाँ से जाना चाहिए, कहाँ से जाना चाहिए, कहाँ से जाना चाहिए, कहाँ से जाना चाहिए। मुझे मेन हाईवे से निकलना है, वहाँ से मुझे यहाँ से निकलना है। तो अगर किसी ने होंडा का शोरूम नहीं देखा तो ये देखिए बड़ी जो का होंडा शोरूम यहाँ पर है, ठीक है। लेकिन यहाँ जाम बहुत मिलता है यार, क्या ही बोलूँ। फिलहाल अभी हम पहुँचे गए सुजुकी के शोरूम। तो सीन क्या है कि अपना ना स्कूटी का जो फ्यूल पंप है वो ख़राब हो रखा है, वो हम चेंज करवा रहे हैं और बाकी सर्विस करवा रहे हैं। जब उस समय आई बटन था वो सॉफ्टवेयर शायद अभी अपडेट हो रहा है, अब पता नहीं, अब शोरूम के अंदर वीडियो तो बना नहीं सकते बाकी। तो इसका फ्यूल पम्प ये था जो कि ख़राब हो चुका है पहले वाला, फिलहाल अब ये भी ख़राब हो गया, ये अलग ख़राब। हाँ जी, तो एक बड़ी बैड न्यूज़ आपको सुनाना चाहूँगा। क्या सीन हो चुका है कि स्कूटी में ना एक इशू पता नहीं कुछ है, तो ना मोटर ख़राब होने के चक्कर में ना कभी कभी जैसे हम सेल्फ वगैरह ज़्यादा मार दें तो वो फूक गया है, अब वो भी चेंज करवाना है। वो है 6,500 रुपये का, मोटर है 3,500 रुपये की, 10-15,000 रुपये तो ऐसे ही लग जाएंगे। आप हाँ जी, तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि स्कूटी का बिल आ चुका है, स्कूटी हमारी जो है सर्विस भी हो चुकी थी और इसमें 11,000 रुपये खर्चा आ रहा है। जैसे कि आपको मैं बिल दिखा रहा हूँ,
बिल में आप देख सकते हो कि 3-4 पार्ट और सर्विस वगैरह सब मिक्स है। तो भाई चलो ठीक है यार, बन गई स्कूटी, अब कोई बात नहीं। तो चलो ठीक है भाई, ऐसे ही मिलता है अगली वीडियो में। ओके भाई, टाटा।